हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रियल लाइफ हीरो के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है लुधियाना के एक छोटे से गांव से। दिन था 23 अक्टूबर 1997, जब इस हीरो का जन्म एक बहुत ही फेमस राज्यसभा कैंडिडेट के परिवार में हुआ था। बचपन से ये लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर था दोस्त। पढ़ाई लिखाई में कमजोर होने के बावजूद भी एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना सजाया। और ये लड़का बाकी लोगों की तरह सिर्फ सपने नहीं देखता था दोस्त, सिर्फ सोचता नहीं था, बल्कि इसने मात्र 18 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम भी रख दिया। और दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर से इसने 20,000 रुपया उधार लेकर साइकिल का स्पेयर पार्ट बनाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ साल ये काम करने के बाद इसे एहसास होता है कि ये बिजनेस से वो ज्यादा सफल नहीं हो सकता, इसीलिए वो इस बिजनेस को बंद कर मुंबई चला गया। और वहां जाकर इसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, जहां वो जापान से जनरेटर खरीदता और इंडिया में बेचता। और इसका ये काम, इसका ये बिजनेस इसको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। मगर कहते हैं ना दोस्त, कि जितना बड़ा सपना होता है उतना ही बड़ा आपको संघर्ष भी करना पड़ता है। और अचानक एक दिन भारत सरकार जनरेटर के आयात पर रोक लगा देती है, और इस लड़के का बिजनेस जो शिखर पर था दोस्त, वो रातों रात जीरो पे पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद भी ये बंदा हार मानने को तैयार नहीं था। वैसे भी हार माने तो कैसे माने दोस्त, इसका सपना जो इतना बड़ा था। और सन 1984 में इसने फिर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर दिया, जहां ये ताइवान कंपनी का एक टेलीफोन खरीदता और इंडिया में ले आकर बेचता था। और फिर आता है साल 1992, जो इसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इसे मोबाइल फोन नेटवर्क का लाइसेंस मिल गया। और इसके बाद इस बंदे ने सफलता की ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज इस बंदे का नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये वही लड़का है दोस्त, जो 20,000 रुपया उधार लेकर अपना बिजनेस शुरू किया था, और आज इसी बंदे की नेटवर्थ 1,00,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस हीरो का नाम सुनील भारती मित्तल है, जो आज लाखों लोगों को नौकरी देते हैं, जिनके वजह से हजारों घरों में चूल्हे जलते हैं, लाखों बच्चे स्कूल जा पाते हैं। दोस्तों, भारत की इस रियल हीरो को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।